ये रिव्यू मैंने बड़ी मुश्किल के साथ किया है, क्योंकि अब इस ड्रामे को देखना नाकाबिले बर्दाश्त सा हुआ जाता है। जियो एंटरटेनमेंट डायरेक्टर राइटर, आपने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। फ्लैशबैक म्यूजिक से देख रहे हैं, कहीं हेलीकॉप्टर चल रहा होता है, जब आपने दिखाना हो पीछे से मलिक मुख्तार का घर दिखाया, वो देखिए कितना गॉडी सेट है, वो जिसके सोफे पे बैठा है उस पर कोई 8-9 किस्म देते तकिए पहने। आप एक मर्द की बगैरती को जो है वो औरत की इज्जत के साथ मिला रहे हैं। अगर कोई चीज काबिल जिक्र थी जिसकी तारीफ बनती है तो वह वहाज की एक्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तेरे बिन की दो किस्तें बुधर जुमे रात को ऑन एयर हुई तो उनका रिव्यू हाजिर है। ये रिव्यू मैंने बड़ी मुश्किल के साथ किया है, क्योंकि अब इस ड्रामे को देखना नाकाबिले बर्दाश्त सा हुआ जाता है। ये दोनों किस्तें भी पुराने जो अभी तक हमने एक साथ देखी उसी की तरह डिसअपॉइंटिंग थी, इंतहाई डिसअपॉइंटिंग इफ़ आई मे से। ड्रामे की कोई कहानी नहीं, कोई प्लॉट नहीं, कोई किरदारों में रब्त नहीं। हमें ये नहीं मालूम ये किसकी कहानी है, ये कहाँ जा रही है, कौन सुना रहा है, किसको सुनानी है और आगे बढ़ के ये क्या बनेगी। ये सिर्फ इंडियन ड्रामों का एक बहुत ही लो लेवल बी ग्रेड चरबा है। उसके उन ड्रामों में होते बेतहाशा सीन्स का ऐसा घटिया कट एंड पेस्ट है आई मस्ट से, कि इसने मुझे जियो एंटरटेनमेंट डायरेक्टर राइटर आपने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। हमारे ड्रामे ये नहीं है, हमारे माशरे में ये नहीं हो रहा जो आप दिखा रहे हैं। चरबा, जब मैं कह रही हूँ ना कि इंडियन ड्रामों का चरबा है, तो चरबे को हम, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करूँ कि ड्रामे के ओपनिंग शॉट्स से देख लें आप, फ्लैशबैक म्यूजिक से देख रहे हैं, कहीं हेलीकॉप्टर चल रहा होता है जब आपने दिखाना हो पीछे से, आप पूरे किस्तों में देखिए जहाँ वो ढूंढ रहे हैं यमुना को, मीरब को, जब वो खो गई हैं तो पीछे एक परपेचुअल हेलीकॉप्टर चल रहा है। किसी भी इंडियन ड्रामे को उठा के देखिए, ऐसी ही आवाज़ आ रही होगी। हीरो हीरोइन करीब आ रहे हैं, सो रहे हैं, या फ्लैशबैक दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं, या ला 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 चलना शुरू हो जाता है। इसमें भी वही हो रहा है, इंतहाई गॉडी सेट्स हैं। चाहे आपने वो सरदार मलिक मुख्तार का घर दिखाया, वो देखिए कितना गॉडी सेट है, वो जिसके सोफे पे बैठा है उस पर कोई 8-9 किस्म देते तकिए पहने, गद्दियाँ पड़ी हैं जिसके दरमियान में वो बैठा है, पीछे एक गॉडी सा जनाब जो है वो नीचे आ रही हैं सीढ़ियाँ। और अब बिल्कुल आप किसी इंडियन ड्रामे को उठा के देख लें, उसमें यही सीढ़ियाँ नज़र आ रही होती हैं और एग्जैक्टली ऐसे ही सोफा पड़ा होता है। इसी तरह आप मीर मुर्तसिम का घर देख लीजिए, माँ बेगम का घर, उसमें भी इंतहाई गॉडी है। उसके साथ साथ एक उन्होंने ना एक और कटा साथ रखा हुआ है, गोल्डन सी ट्रे में परफ्यूम्स रखे हुए हैं, वो हर जगह माँ बेगम को थोड़ी देर बाद पेश होते हैं, वो लोग इलायचियाँ खाते हैं उनको परफ्यूम सुगाने को दे देते हैं, पता नहीं परफ्यूम से केड़ियाँ लेना खिंच रही हैं, मैं नहीं पता। और इस सारे में जनाब एक वैम्प का, परपेचुअल वैम्प का किरदार है, जो कहते हैं ना कोमली का बहन बनी रहती है नागन किस्म की, उनके दिमाग में सिर्फ शैतानियाँ, लड़ाइयाँ, फसाद चलते रहते हैं, उन्होंने कान सुइयाँ लेनी होती हैं, उन्होंने सबको सबके खिलाफ करना होता है। और उसमें एक दो विलन डालते हैं जो पहले इस ड्रामे में आपने देखा, इन दो एक साथ में दो विलनों की एंट्री भी आपने डाल दी, एक मीरब का क्लास फेलो, एक्स क्लास फेलो, और दूसरा ये मीर मुर्तसिम का जो राइवल है आपने वो डाल दिया। सिंधी अपेरेंटली एक सिंध की कहानी, क्योंकि हैदराबाद और कराची का जिक्र किया जा रहा है तो यही समझ में आती है कि ये हम सिंध की कहानी है। तो सिंधी वडेरे हैं, मगर ना कोई नौकरानी, ना नौकर, ना मालक, कोई भी सिंधी नहीं बोलता, बल्कि पंजाबी एक्सेंट में उर्दू ज़रूर बोलते नज़र आते हैं। सिर्फ एक नौकरानी की एंट्री इस दफ़ा जो है वो दूसरी किस्त में हुई, जो मीरब को मुट्ठी चापी करते वक्त इंतहाई ओपरे से और बनावटी एक्सेंट में, जिस तरह हम पश्तों का बना बना के अम ने तुम को कही थी वाली बातें करती है, वो भी उसी तरह की सिंधी बोलती नज़र आई। तो इसमें कोई अप्रिशिएट करने वाली अनफॉर्चुनेटली बात नहीं है। हमारे बहुत से सिंधी स्पीकिंग एक्टर्स हैं हु आर पार एक्सलेंस, मगर मुझे नहीं लगता ना किसी को अप्रोच किया गया होगा, ना इतने फजूल से प्लॉट के लिए शायद कोई साथ जुड़ने को तैयार ही ना हुआ हो। खैर जी, इन दो एक साथ में भी ओवर एक्टिंग और गंदा मेकअप,
माशाल्लाह टॉप पे रहे, चाहे वो माँ बेगम की ओवर एक्टिंग हो, जो मैं शुरू से बुशरा अंसारी की एक्टिंग के बारे में कह रही हूँ कि इस ये 16 एक साथ तक में बुशरा अंसारी जिस पाए की अदाकारा है उसकी हमें 5 मिनट भी उस एक्टिंग की झलक नज़र नहीं आई। रादर वो दिमाग में स्कीमें बना रही हैं, वो जनाब एक यूं करके और आंखें बहुत सारी खोल के एक कैरेक्टर है माँ बेगम का, जो क्या करना चाह रहा है हमें नहीं मालूम। हाँ, वो बस घर की बड़ी हैं तो वो यूं यूं करके फिरती रहती हैं। इसमें चाहे हया का कैरेक्टर ले लें कि उस कैरेक्टर को आपने एक वन साइडेड इश्क में इतना पागल दिखा दिया है कि ना उसको अपनी इज्जत की परवाह है, ना उसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। वो टॉक्सिक लव के पीछे भाग रही है, और सिर्फ टॉक्सिक लव के पीछे नहीं भाग रही, वो उसमें उसको शैतानियाँ भी सूझ रही हैं, उससे आप तावीज़ गंडे और चिल्ले भी ऐड करा रहे हैं, और वो नौकरानी के साथ भी जड़ी ना वो सोच रही है अच्छा फिर फलाने बाबे का फलाने दम करावांगी ना, तो उसकी दुम निकल जाएगी तो उसका दम निकल जाएगा। यार स्पेयर मी फॉर गॉड सेक। ये फिर वही बात मैं बार बार कहती हूँ, कोई भी इंडियन प्ले आप उठा के देख लें जो बहुत मशहूर हो, उस सब में एक इस तरह की वैम्प मौजूद है, उस सब में एक इस तरह का क्लास फेलो कैरेक्टर मौजूद होता है जिसका अगेन वो भी एक वन साइडेड इश्क में मुब्तला है। आपने एक पूरे इसका जो आज उस कैरेक्टर को ऐड किया उसके मीरब के क्लास फेलो का, उस आप पूरे को देखिए, वो इतना ओटीटी था कि ना उसकी कोई सेंस थी। एकदम 16वीं किस्त में आके जनाब वो कैरेक्टर का लव, वो कहते ना पर्दा पाड़ के बाहर आ गया, और पर्दा पाड़ के इंज बाहर आया, उधर ग्लास सुट रहे हैं, उत्थे जनाब वो भन रहे हैं, वेज भन रहे हैं कि जनाब मुझे तो बड़ा गुस्सा आता है, और वो मेरी मोहब्बत, वो कड़ी मोहब्बत पाए हैं, वो तेरे दिल की मोहब्बत वो की कर ले। ये एग्जैक्टली आप वो बातें दिखा रहे हैं जो नहीं होती, जिनसे आप कोई अच्छी चीज़ पोर्ट्रे नहीं कर रहे। आप ये बता रहे हैं कि अगर एक मर्द को वन साइडेड इश्क भी हो जाए तो उसका राइट है वो चीज़ें पन्ने नौकरों को कुछ कहे, वालदैन के घर चला जाए, और या लड़की को धमकाए, क्योंकि उस जनाब को इश्क हो गया तो बाजी जी ने तो चाहिए कि फौरन चुनी सिर ते लैके सर झुका के गए कबूल है कबूल है कबूल है। तो ये भी वही वाला कैरेक्टर ऐड किया गया। सेम दूसरा कैरेक्टर आप गांव में देखते हैं जो ऐड किया गया, इवन वर्ड्स आई वुड से, एकदम से आपने वडेरे का पुत्र का कैरेक्टर ऐड करते, और वो कैरेक्टर आपने टोटल शक्ति कपूर ही बनाता। वो एक हमर के ऊपर खड़ा है और वो कह रहा हा हा ओ जनानी आ गई है, अब वो मैं अपनी, और उससे आप बगैरती के डायलॉग आप देखें कि आपने जो है ना डेढ़ किस्त में से आधी, दो किस्तों में से आधी किस्त कम से कम आपने उन उसके बगैरती के डायलॉगों पर महसूस की, जिसमें आप कहते हैं अब तेरी इज्जत से जो है ना मैं अपनी इज्जत बनाऊंगा, और तेरी इज्जत को अगवा करके जनाब मैं अपनी जो है ज़मीनें छुड़ाऊंगा। कौन सी बगैरती आप दिखा रहे हैं? ये पाकिस्तानी ड्रामा है, ये होता है, ये जियो एंटरटेनमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रेप को, इंटेंशन ऑफ रेप को, इंसिनुएशन ऑफ रेप को ग्लोरीफाई कर रहे हैं आप, और आप दिखा रहे हो कि ऊपर से उसके नौकर भी अला 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 करके पीछे जा रहे हैं कि आज तो तुझे छोड़ेंगे नहीं, बस उनकी आंखों में से ना मुंह से राले नहीं टपक रही थी, और दूसरी तरफ जनाब हीरो साहब के कान में सुड़सुड़ की आवाज़ से भी मुर्तसिम मुर्तसिम उसके दिल से जो टेलीफोनिक रेस जा रही थी वो, या उसके दिल में, और उसके दिल में जो चिप थी उस चिप से बता रहा था आई एम हियर बेबी कम एंड गेट मी, लाइक व्हाट। आप एक मर्द की बगैरती को जो है वो औरत की इज्जत के साथ मिला रहे हैं, और उसके बाद आप जब वहाद दिखाते हैं कि जनाब मीर मुर्तसम जाता है कंटेस्ट करने कि आपने मेरी बेगम को अगवा किया था, तो वहाँ वो क्या जवाब मांगता है? इज्जत के बदले इज्जत। यार औरत है, ऑब्जेक्ट है, क्या समझते हैं आप? क्या डायरेक्टर साहब आपने क्या सोच के इसको फिल्माया? मैं राइटर से पूछना चाहती हूँ क्या सोच के आपने लिखा, और मैं मुर्तसम से भी पूछना चाहती हूँ, या वो जो एक्टर्स इसको अदा कर रहे थे असलम साहब जो बड़े सीनियर हमारे एक्टर हैं जो उसमें उसके वालिद का किरदार अदा कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहा था कि यार आजकल के ज़माने में जो हमारे मुल्क में औरतों के साथ हो रहा है तो ये हम क्या दिखा रहे हैं, क्या हम उसको एड्रेस कर रहे हैं या हम जनाब उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, और उसके साथ अब उसके ऊपर गोलियां चलती दिखा देते हैं। यार रियली आई एम सो डिसअपॉइंटेड।
तो दो एक साथ में से डेढ़ किस्त अगर आप कह दें कम से कम, वो मीरब के घूमने, उसके फ्लैशबैक, इधर उधर दौड़ने और उसकी रिकवरी तक गुजर गई। और जो सारी, जैसे मैंने पहले कहा, वो ओवर एक्टिंग का शिकार रही पूरे ड्रामे में अभी तक, और इन दो एक साथ में भी। अगर कोई चीज़ काबिल जिक्र थी जिसकी तारीफ बनती है तो वह वहाज की एक्टिंग है, मीर मुर्तसिम का किरदार जो कर रहे हैं। उसने मीर मुर्तसिम के किरदार को जिस तरह अपने ऊपर तारीख किया है, चाहे वो गुस्से का किरदार हो जब वो खान बन जाता है, या वो एक काइंड हार्टेड बेटा बनता है, या वो करेक्ट करने वाला कज़न बनता है, या वो प्यार करने वाला शौहर बनता है, या उसको गाइड करने वाला बनता है, उसके वैरायटी ऑफ दैट रेंज ऑफ एक्सप्रेशंस, वैरायटी ऑफ दैट एक्टिंग टोटली कमेंडेबल। तो वहाज की एक्टिंग के अलावा इसमें कुछ नहीं। और इस दफ़ा ये जो इन्होंने मर्द का बच्चा बन और औरत के साथ जो गैरती और मर्द की बगैरती जोड़ी, इसने तो मुझे इतना डिसअपॉइंट किया है कि मेरा इस ड्रामे को आइंदा देखने का कोई मूड नहीं है। कोशिश करूंगी, बर्दाश्त कर सकी तो ज़रूर देखूंगी और रिव्यू दे दूंगी, और अगर ना देख सकी तो माफ़ी चाहती हूँ, ये इस काबिल ही नहीं कि मैं और आप इस पर अपना वक्त ज़ाया करें। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, और मुझे नहीं समझ आ रहा ये किस चीज़ के ऊपर इंडिया में रेटिंग ले रहा है। हाँ, वो यमुना और वहाज की केमिस्ट्री पर अगर रेटिंग ले रहा है तो बनती है, मगर अगर दो किस्तों में से आप ऊपर नीचे दिखाएं और उसमें 15 मिनट का उनका बहुत इंटिमेट सीन आप दिखाना चाहें, तो उस जिसमें आगे पीछे कुछ ना हो, तो आई एम सॉरी, ये मेरे मुल्क का ड्रामा नहीं है, ये हमारा ड्रामा नहीं है, और ना मैं ऐसे ड्रामे को देखना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।